व्यूवर्स, ये मैं हूँ, ये जुनैद भाई हैं और हम यहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं अल्दाबी लाउंज में। व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि पहुंच होंगे। व्यूवर्स, इस वक्त मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे और मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से अपनी ट्रैवलिंग, बहुत तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद ये ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा हूं और इंशाल्लाह आपको इस वक्त मैं 2 से 3 कंट्री ट्रैवल करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से कंट्री आ रहा हूं। इधर सिर्फ जुनैद भाई बैठे हुए, ये होंगे मेरे साथ ट्रैवलिंग में। जुनैद भाई, आपने इनको देखा होगा मेरे साथ कोरिया के ब्लॉग में। भैया, वीडियो में बहुत मुश्किल हुई हैं, वीडियो में अबू धाबी में बहुत थोड़ी सी मुश्किल हुई है, वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। दूसरी चीज़, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जो थकावट हुई है, लगेज जो इतना लेट मिला है, बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फ्लाइट उतर गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलते हैं होटल में और आपको बताते हैं आगे के बाद, क्योंकि आज पूरा दिन सोऊंगा, कल से अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा और आपको सारी 1 to 2 इस्तांबुल में जितनी भी साइट सीन्स हैं, जितने भी सस्ते साइट सीन हैं और इकनॉमिकल हैं, वो सब बताऊंगा, फूड्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो, ये व्लॉग्स आगे चल के बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वेलकम टू अपरलीस गोल्ड होटल। देखने में तो बहुत अच्छा लगा, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है, लेकिन है तो बेहतरीन खाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी जब मैं आया टर्की खा चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। खाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा खाना। देखें आपका व्यूअर्स, इस टाइम पैंडेमिक के अंदर ट्रैवलिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो तुर्की इज़ अ बेस्ट प्लेस ऑफ द ट्रैवलिंग एट द मोमेंट। और ये बताऊँ, इस्तांबुल की जो ये जगह आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पर और अराउंड, तो सबसे हॉट प्लेस है सुल्तान अहमद। इधर इतनी गहमा गहमी होती थी कि आप कदम नहीं रख सकते, लेकिन इस वक्त क्या कंडीशन है आप खुद देख सकते हैं। तुर्की को सबसे एक चीज़ डिफरेंट बनाती है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जगहों हैं जो मैंने ट्रैवल करी हैं, सब मुझे सबसे ज़बरदस्त लगता है तुर्की। इधर मैं कम से कम 7-8 दफ़ा आया हूँ। सबसे बेहतरीन बात इसकी क्या है, रेस्टोरेंट्स, फूड और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हैं, सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आपको हर टूरिस्ट प्लेसिस पे, हर जगह आपसे ऐसा कोऑपरेट करते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि आप अपने कंट्री में किसी और कंट्री। हाँ, इधर एक चीज़ का इशू है, वो है लैंग्वेज बैरियर, वो इस जगह भी आपको मिलेगा, लेकिन 60-70% लोग आपको इंग्लिश बोलते हुए मिल जाएंगे और आपकी बात समझ लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट, इस टाइप के रेस्टोरेंट हर कॉर्नर पे मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर 10 से 20 कदम पे मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने रेस्टोरेंट में इंटर होने से पहले उसका मेन्यू ज़रूर चेक करना है, खाने के बाद आपने चेक किया तो जिम्मेदार आप खुद होंगे।
व्यूअर्स, रेस्टोरेंट के जो मेन्यू है सब तकरीबन डिफरेंट है, अच्छे भी, यानी कि खाने जो है ऑलमोस्ट सेम है लेकिन मेन्यू के जो प्राइसेस हैं वो सब डिफरेंट हैं। आप ज़रूर कभी भी रेस्टोरेंट में इंटर होने से पहले उसका मेन्यू चेक कर लो भाई, क्योंकि खाने आपको सब सेम मिलेंगे, सेम सर्विंग है, एक आदमी तकरीबन ऑलमोस्ट एक आदमी की सर्विंग है, कहीं पर दो आदमी की सर्विंग है, लेकिन जो मेन्यू के प्राइस हैं कहीं ना कहीं डबल हैं, कहीं कहीं उस तीन गुना ज़्यादा है। तो प्लीज़ ये ज़रूर देखें किसी भी जगह रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले कि ये मेन्यू, जहाँ पे आपने सपोज कल खाना खाया और आज किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, वही खाना कल जो आपने खाया 30 लीरा का और आज खा रहे हो आप तकरीबन 60 लीरा का, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये ज़रूर चेक कर लो भाई कि अपने होटल से नियरेस्ट जो आपका रेजिडेंस है, जहाँ पे आपने अकोमोडेशन ली हुई है, उससे नियरेस्ट जो होटल है वो कैसा है, रेस्टोरेंट कैसे हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं या इकोनॉमिकल हैं। लेकिन 80-60% रेस्टोरेंट यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं, लेकिन हर, मैंने आपको जैसा बताया कि हर 10 कदम के बाद आपको रेस्टोरेंट ऐसा मिलेगा जो पिछले 10 कदम पे जो फूड है वो 40 लीटर का है, तो इधर है वो 20 लीटर का। तो प्लीज़ ये ज़रूर चेक कर लेना। व्यूअर्स, आप एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो आपके लिए बेहतर है कि रेंटर कार एयरपोर्ट से ले लो, वो इकोनॉमिकल है। बोरसा भी जा सकते हो, सुगत भी जा सकते हो, इस्तांबुल पूरा विजिट कर सकते हो। और हाँ, तो फिर जो आप होटल या अकोमोडेशन करोगे उसके अंदर लाजिम पार्किंग होनी चाहिए, वरना पार्किंग के लिए आप परेशान रहोगे, इधर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। हर होटल में पार्किंग ऑलरेडी मौजूद है, 60-70% होटल्स में पार्किंग मौजूद है, वहाँ पर आप पार्क कर सकते हो गाड़ी। लेकिन हाँ, ये बता दूँ कि कुछ साइट सीन यहाँ पर फ्री हैं, कुछ साइट सीन के लिए आपको पे करना पड़ता है। कौन से फ्री हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन से पेड हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। आप वीडियो में बने रहना और वीडियो देखते रहना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें।